वैसे तो आजकल सोशल मीडिया में जेसीबी खुदाई का मामला काफ़ी जोरों शोरों पर है। कई ज़्यादा हिट्स और लाइक मिलते हैं, क्योंकि जहां भी जेसीबी की खुदाई होती है, खुदाई देखने के लिए हज़ारों और सैकड़ों लोगों का तांता सा लग जाता है। लेकिन जलगांव जिले के जलगांव शहर के जैनाबाद में एक अजीबोगरीब मामला पेश आया, जब पुराने बीज को ढहाते हुए एक जेसीबी खुद नाले में गिर गया। इतना ही नहीं, गिरते समय इस जेसीबी ने ब्रिज को भी धराशायी कर दिया। इस समय इस जेसीबी में वाहक सहित एक अन्य व्यक्ति भी मौजूद था, जिनकी भाग्यवश सौभाग्यवश जान बच गई। आपको बता दें कि थोड़ी ही समय पहले आमदार राजू मामा भोड़े, कैलाश अप्पा सोनोने और चंदूलाल पटेल विधान परिषद आमदार, इनके मौजूदगी में इस पुल का ओपनिंग सेरेमनी किया गया था। लेकिन चंद मिनटों में ही ये ब्रिज धराशायी हो गया, जिसके वजह से एक ही खलबली का माहौल है। आप देख सकते हैं, ये वही बैनर है जिसके दो मिनट पहले यहाँ पर उद्घाटन हुआ था। आइए जानते हैं प्रत्यक्षदर्शियों से क्या था ये पूरा मामला। एक अशी घटना घडली की जेसीबी नाल्यामध्ये उलटून गेलं, तुम्ही बघू शकता तिकडे, पण सुदैवाने काही जीवित हानी झालेली नाही आहे। जेसीबीमधले जे कर्मचारी होते त्यांनी वेळेस उड्या घेतल्यामुळे त्यांचे प्राण वाचलेले आणि दुसरी काही जीवित घटना झालेली नाही आहे। त्यांनी लक्ष देऊन पुढे काम केलं पाहिजे, लवकरात लवकर पुलाला काम चालू केलं पाहिजे। या पुलावरून भरपूर लोकांचं येणार नाही, लवकरात लवकर काम पूर्ण व्हायला पाहिजे असे आमच्या अपेक्षा। नाव काय आपलं? माझं नाव गिरीश राजवीर सपकाळे। रहिवासी? रहिवासी लिदरवाडा।